नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, लॉकडाउन के चक्कर में चाहे क्रिकेट मैच ना हो रहे हो, लेकिन शतक पे शतक तो लगे जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की। लगातार 21 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और उसका सीधा असर हो रहा है आपके जेब पर, हमारे जेब पर। ऐसे में आम जनता कितनी परेशान है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां पहले ही ठप पड़ी थी और उसके बाद इन बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम जनता को परेशान कर दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी 21वें दिन भी जारी। 87.53 रुपये प्रति लीटर हुए पेट्रोल के दाम, 81.21 रुपये प्रति लीटर हुए डीजल। 21 दिन में पेट्रोल 10.86 रुपये महंगा, डीजल के दाम 9.67 रुपये बढ़े। आमजन पर पड़ रही धोरी मार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि लगातार जारी है। आज भी पेट्रोल की कीमतों में 25 पैसे और डीजल की कीमतों में 21 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। इस तरह पेट्रोल की कीमत 87.53 रुपये पहुँच गई है और डीजल की कीमत 81.21 रुपये प्रति लीटर आ पहुँची है। लॉकडाउन के चलते जहां लोगों पर पहले ही आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं। एक और तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, दूसरे कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। हो सकता है कि ये वीडियोस आपने भी देखे हों। जी हाँ, ये वीडियो तब के हैं जब केंद्र में UPA सरकार थी और उस दौरान भाजपा के नेताओं ने खासा प्रदर्शन किया था, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही थी। चलिए पहले आपको ये वीडियोस दिखाते हैं। उसमें आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों, जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपये से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपये से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन डीजल के दामों को वापस करके रहेगी, ये मैं आपके सामने घोषणा करना चाहता हूँ। आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हर बार इज एट्रोशियस एंड अनबिलीवेबल। दी UPA गवर्नमेंट ऑन इट्स थर्ड एनिवर्सरी हैज गिवन दिस गिफ्ट ऑफ पेट्रोल प्राइस हाइक टू द पीपल एंड दैट टू 7.50 रुपीज पर लीटर, अनहर्ड ऑफ, unimaginable. The people of India and the opposition, and particularly the BJP, is asking the government of India that when will you move beyond lip service. देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। तो देखा आपने और सुना किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद निशाना साध रहे थे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे, लेकिन आज वही जिम्मेदार लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं, क्योंकि आज परेशानी उनकी नहीं, क्योंकि आज परेशानी किसी नेता की नहीं, आज जो परेशान है सबसे ज्यादा वो है आम जनता, क्योंकि उसके जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। एक तरफ तो लॉकडाउन का जो दुख है वो भी कम नहीं हो पाया है और दूसरी ओर ये बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और अगर कोई कमी लगी है तो वो भी बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।